टाइगर श्रॉफ और विद्युत जम्वाल को अक्सर कंपेयर किया जाता है और इसकी वजह है कि ये दोनों यंग स्टार एक्शन और स्टंट करने में माहिर है और ये दोनों स्टार दिन ब दिन दर्शकों के बीच काफी ज्यादा पॉपुलर भी होते जा रहे हैं। वहीं दोस्तों आज से लगभग 2 सालों पहले यानी कि 2017 में डायरेक्टर राम गोपाल वर्मा बिना वजह से टाइगर श्रॉफ और विद्युत से पंगा लेने में लगे हुए थे और इस बीच ट्विटर पर जाकर राम गोपाल वर्मा ने पहले तो टाइगर को ट्रांसजेंडर कहा, वहीं फिर विद्युत के साथ कॉल रिकॉर्डिंग शेयर की जिसमें कि विद्युत और टाइगर के बीच कंपैरिजन चल रहा था। तो ऐसे में 2017 में टाइगर और विद्युत के बीच राम गोपाल वर्मा आ गए और जमकर इन दोनों स्टारों की खिंचाई की। लेकिन हाल ही में जब टाइगर श्रॉफ से इस बारे में पूछा गया था तो यहाँ पर टाइगर का कहना था कि विद्युत और मैं एक अच्छे एक्शन फैंस है और शायद राम गोपाल वर्मा भी, और शायद इसी कारण से उन्होंने हमारी तुलना की होगी। हालांकि वो जानते हैं कि एक्शन फिल्मों को करने में कितनी मेहनत लगती है। वहीं दोस्तों लेकिन अब हम कह सकते हैं कि टाइगर विद्युत और राम गोपाल वर्मा के बीच सब कुछ ठीक हो चुका है। जी हाँ, यहाँ पर राम गोपाल वर्मा ने विद्युत के साथ अपनी एक फोटो शेयर करते हुए कहा कि टाइगर मी एंड विद्युत फाइनली मेड अप, और इसे में अब टाइगर विद्युत और राम गोपाल वर्मा के बीच सब कुछ ठीक हो चुका है। और जैसा कि आप जानते हैं कि राम गोपाल वर्मा पिछले कुछ सालों से काफी खामोश है, लेकिन पहले राम गोपाल वर्मा की फिल्में सिनेमाघरों में आग लगा दिया करती थी और उनमें से अधिकतर एक्शन फिल्में होती थी। और इसे में अब कैसे लगाई जा रही है कि राम गोपाल वर्मा कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं और वो टाइगर और विद्युत को लेकर एक बड़ा प्रोजेक्ट तैयार कर सकते हैं। हालांकि यहाँ टाइगर के पास इस वक्त काफी सारी फिल्में हैं और विद्युत के पास भी 3 बड़ी फिल्में हैं और इसे में इन दोनों स्टारों को एक साथ देखने का मौका फैंस तो नहीं छोड़ेंगे। हालांकि यहाँ देखने वाली बात होगी कि ये दोनों बेजोड़ एक्शन स्टार कब एक साथ आएंगे और इसे में क्या राम गोपाल वर्मा इन दोनों स्टारों को लेकर कोई फिल्म बनाएंगे या फिर कोई दूसरा डायरेक्टर। हालांकि फैंस तो ये चाहेंगे कि जिस तरह से ऋतिक और टाइगर की फिल्म उन्हें देखने को मिलने वाली है, उसी तरह से जल्दी टाइगर और विद्युत की फिल्म भी उन्हें देखने को मिले। और दोस्तों क्या आप भी आने वाले टाइम में टाइगर और विद्युत की एक फिल्म देखना चाहेंगे, हमें कमेंट कर बताएं। साथ ही बॉलीवुड से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें।